हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एंड सुबह 5 बजे का जो सेशन है ये आपका सीटी के बेसिस पे जीके का रहता है, जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अभी देखो एसएससी के एग्जाम्स जो चल रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो जो करेंट अफेयर्स आ रहा है एज इट इज़ वही करेंट अफेयर्स, वही आपसे जीके का सेक्शन पूछा जा रहा है जो आपको ऑलरेडी पढ़ा पढ़ा के हम भेजें। अब अगर उनको अच्छे तरीके से आपने पढ़ा था तब तो देखो यहाँ पे नैया पार हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उन सेशंस को मिस किया है, यहाँ पे थोड़ी सी आपने ढिलाई दिखाई है, तो फिर यहाँ पे आपकी नैया को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, ना फिर आप ना फिर हम। तो आप लोगों से इसीलिए बोलते हैं जो क्लासेस होते हैं डेली बेसिस पे उसको मिस मत किया करिए। आज आपको लगेगा कि यार आज चलो हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या पता जब आप पेपर देने जाओ तो जो सेशन आपने छोड़ा था उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बी रेगुलर, क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे करिए, कैसे भी समय निकालो, समय निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, कंटेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के सेशन को, एक बार से लिंक को कॉपी कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो। वेल, ये क्लास होता है सुबह 5 बजे। इसके अलावा आपको बता दें अनअकैडमी पे आपका स्पेशल सेशन चल रहा है, डोंट मिस इट। इसमें हम लोग जीएस के मॉक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डे और टाइम आपके सामने लिखा है, आप एक बार से इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो आपका 7 बजे का क्लास होता है सुबह करेंट अफेयर्स का, उसमें 2019 के जो करेंट अफेयर्स हैं वो भी हम आपके कवर करा रहे हैं। रीजन बीइंग एसएससी के पेपर में 19 से 20 तक के जितने करेंट अफेयर्स हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो 20 के जो करंट अफेयर्स हैं वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं, तो 19 वाला भी हम कवर करा रहे हैं। तो एक बार से उसे मिस मत करिए, जरूर से देख लिया करें। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, बताइए हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो राज्यसभा होती है उसमें कुल कितने ऐसे सदस्य होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर सिंपल है, इसका क्या बनेगा, 12। देखो मे बी सवाल यहाँ से नहीं तो रंजन गोगोई से पूछ सकते हैं, आपको पता ही है कि रंजन गोगोई कौन है, 46 नंबर के सीजीआई के रूप में इन्होंने काम किया है और अभी रिसेंटली इनका नाम जो है वो नॉमिनेट किया गया है, कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में टोटल 4 ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ से नॉमिनेशन होता है, आर्ट है, लिटरेचर है, सोशल वर्क है और इसके साथ में आपका एक और होता है, वो तुम लोग बताओगे फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। ओके, एक चीज़ और, अगर सपोज करो पूछा जाता है कि रंजन गोगोई जी जो हैं वो कौन से वाले सेक्शन में से चुने गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल वर्क। चौथा वाला बाकी है, छोड़ नहीं देना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगला सवाल, एन ऑडियोमीटर मेजर्स, ऑडियोमीटर जो है वो इसमें से किसका मापन करता है, किस चीज़ को कैलकुलेट करता है या फिर नापता है, आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस। देखो जब हम मैटर की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि जो मैटर होते हैं वो आपके 3 तरीके के हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज है ना। अब इसमें यूजुअली क्या होता है, आपसे जो डिफरेंस पूछा जाता है वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के ऊपर पूछा जाता है कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें स्पेस कितना होता है, तो इसमें स्पेस कैसा होगा, मिनिमम होगा, इसमें कैसा होगा, ओके होगा, है ना, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका मैक्सिमम होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया तो है नहीं। अगला सवाल बताइए, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, नाइट्रिफिकेशन जो है वो इसमें किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, तो नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा एनपीके के बारे में, यानी कि अगर कोई भी सॉइल है, अगर वो फर्टाइल सॉइल है या फिर अगर उसे हम कहते हैं कि उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मिट्टी है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, एनपीके, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका, दूसरा पोटेशियम हो जाएगा और तीसरा क्या होगा, ये पी क्या स्टैंड कर रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। ये देखिएगा यहाँ पे, नाइट्रिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये याद रखना, मे बी आपसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए, यू नेवर नो। अगला सवाल, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिएगा इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल 3 फंड के बारे में पढ़ते हैं, पहला कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिंजेंसी फंड और तीसरा देखा जाएगा तो पब्लिक अकाउंट। अब पूछा जा रहा है कि जो कंटिंजेंसी फंड है इस आर्टिकल के अंदर, अब ये यहाँ पे किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है या फिर अगर यहाँ से पैसे निकालने हैं तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आंसर बनेगा प्रेसिडेंट। लेकिन अगर पूछा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो इसका आर्टिकल क्या बनेगा, 266, और यहाँ से अगर पैसे लेना है तो आपको किससे पूछना पड़ेगा, पार्लियामेंट, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला सवाल, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्सेज द वाटर इज लाइकली टू बी कंटेमिनेटेड विथ फ्लोराइड। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी
चीज़ है या फिर ऐसा कौन सा वाला वाटर है जिसके अंदर आपको फ्लोराइड का कंटेंट देखने को मिलता है। तो आंसर क्या बनेगा, ग्राउंड वाटर। सिंपल है, जैसे कि मान लो अभी कुछ टाइम पहले हुआ था कि यमुना में अमोनिया पाई गई है ना, उसी तरीके से फ्लोराइड हो गया। अगला देखिएगा, नेम द गैस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। अब पहली चीज़ तो ज़रा ये करना, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पहला पॉइंट। ब्लीचिंग पाउडर को क्या हम किसी और नाम से भी जानते हैं ये भी आप बताएंगे, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस, आंसर क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया एंड ये किससे प्रिपेयर हो रहा है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। अगला सवाल, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर द कॉमर्शियल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था जिसका काम यहाँ पे कॉमर्शियल बेसिस पे किया गया, उसका नाम क्या है, यूनिवैक इज द नेम। अच्छा अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, देखो अभी एसएससी के क्लासेस चल रहे हैं है ना, एसएससी के क्लासेस के साथ साथ में एसएससी के एग्जाम भी चल रहे हैं, राइट। अब मैं आपको बार बार बोलती हूँ कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उसको यहाँ पे हल्के में ले जाते हो और कंप्यूटर से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, समझ रहे हो, समझ गए ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बेटर है यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लो, पता नहीं कौन सा आपका गेम चेंजर हो जाए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट। चले अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ सिल्वर गेट्स डैश ड्यू टू इन एयर। आपको बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू। यानी कि सरकार ने जितना कमाया है अगर वो पैसा कम होता है सरकार के खर्चे से तो उसे हम क्या कहते हैं, या फिर वो किस चीज़ से दर्शाया जाता है, इसे हम कहते हैं डेफिसिट बजटिंग। अब डेफिसिट बजटिंग होगी तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा, कुछ डेफिसिट से जुड़ी हुई पॉलिसीज पूछी जाएंगी, ठीक है। अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिक फॉर्म ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा आपको म्यूजिकल फॉर्म देखने को मिलता है, तो थाड्या हो जाएगा। अच्छा थाड्या तो हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है टोडा ये ट्राइब कहाँ की है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि थरू ट्राइब पूछ लेता है क्योंकि यूपी की है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अगला, रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू, जो टमाटर होता है उसमें जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के द्वारा होता है या फिर लाइकोपीन के वजह से होता है। अगला, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसोर्स इन इंडिया। इंडिया में अगर हम राइनोसोर्स की बात करें या फिर एक सिंह वाले गेंडे की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर पाए जाएंगे, इसका आंसर बनेगा काजीरंगा। अब देखो एक चीज़ समझना, ऐसा नहीं है कि यूपी में नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये यूपी में भी हैं, आसाम में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगे, बट मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, आसाम के अंदर। 22nd ऑफ सितंबर जो है इसको राइनो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा IUCN की लिस्ट के अंदर ये किसमें आता है, वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अगला, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कैग होता है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का। ये सवाल अभी रिसेंटली आपसे पूछा गया है किसके अंदर, एसएससी के एग्जाम में, कि कैग के लिए आर्टिकल नंबर क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, 148। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका खुद का लिखित संविधान नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है पूछा गया, आंसर क्या हो जाएगा, यूके होगा। अच्छा देखो, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे यहाँ पे वेस्ट मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। कई बार जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भी सवाल बन जाता है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये विमर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, आदिलाबाद फोर्ट एंड द सिटी ऑफ जनपद वॉज बिल्ड बाय। आपको बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया, इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, एनी बेसिन के ऊपर इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया उसका नाम क्या है, न्यू इंडिया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया नहीं है, न्यू इंडिया है। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यंग इंडिया किसका है, ठीक है, किताब है, न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, क्या है, व्हाटएवर, ठीक है, आंसर करके बताना। अगला, सप्तऋषि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पे स्मॉल है, बियर है या ग्रेट बियर है, क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम INC की बात करेंगे तो जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया था उस टाइम पे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो JP कृपलानी जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ईयर था वो, ठीक है ना, ईयर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला, हिंदू महासभा, देखो हिंदू महासभा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें तो दीनदयाल जी का भी नाम भी आ रहा है और इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी नाम आ रहा है। तो जब हम हिंदू महासभा की बात करेंगे तो इसको फॉर्म किया गया था 1914 में, कहाँ पर बनाया गया था, तो हरिद्वार के अंदर इसका गठन किया गया था।
अगला, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा. देखो आर्टिकल नंबर वही सेम रहेगा जो यूपीएससी के लिए है ना, सेम आर्टिकल नंबर रहेगा, क्योंकि इसको भी जो फॉर्म किया जाता है ना, ये यूपीएससी के अंदर ही काम करता है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना. बट इसके जो मेंबर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर काम कर रहा है ना. अब जैसे कि यूपीपीएससी है, राइट, अब यूपीपीएससी का ऑफिस कहाँ है? अलाहाबाद के अंदर है. तो अभी स्टेट के लिए काम कर रहा है ना, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट का यहाँ पे जो हेड है वो करेगा, ठीक है. तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन देखे. अब जरा दूसरा क्लास 7 बजे लाइव जो सेशन है उसे मिस मत करना, क्योंकि उसमें 2019 का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं. आप अगर अभी कल का सवाल देखोगे तो जमाइका जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनी है उनके ऊपर सवाल आया था, और मैंने वही आपको उसी सेम डे पे रिवाइज भी कराया था, मैंने कैग समझाया था उसी सेम डे पे, आपके कैग भी पूछा गया. तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्लासेस को मिस मत करिए. एक दिन का जब समय मिलता है ना, और उसमें एक घंटे का जो समय होता है वो टाइम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एमपीपीएससी का पेपर जो है भाई, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है. इसके अलावा यूपीपीएससी खत्म हुआ है, मेंस प्रिपेयर करना है. बिहार के लिए पीसीएस है या फिर यूपीएससी है, आप इसमें से अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी से वर्ल्ड बाय वर्ल्ड पढ़ाना शुरू किया है. पहले पॉलिटी पूरा खत्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, फिर हिस्ट्री खत्म होगा, और इसके साथ साथ आपका मेंस भी चलता रहेगा, साथ में इंटरव्यू के भी जो सेशन है वो भी आपको मिलेंगे, मॉक भी होगा, क्रैश कोर्सेज भी होंगे. मतलब कंप्लीट ये बैच है और इसको ज्वाइन आप कर सकते हो. कोड क्या रहेगा? कोड विल बी प्रतिदिन. अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि 2021 की तैयारी आपकी परफेक्ट तरीके से हो पाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समझ रहे हो ना? अभी जैसे एग्रीकल्चर ने रुलाया, अब इस पेपर की बात करो तो भैया 150 में से 120 तो वैसे ही आ गए सुबह 7 बजे का क्लास करके, समझ रहे हो. तो ये तो पॉइंट हो गया प्रिलिम्स के लिए, इसके लिए. बट मेंस प्रिलिम्स किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. सेकेंडली, अगर आप CDS, NDA, SSC या फिर रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस हो गया, UPSI हो गया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बैच को जो आपका यहाँ पे साइंस का चल रहा है. साइंस खत्म होगा, फिर हिस्ट्री स्टार्ट होगा, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, सारे के सारे GS के सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे. कोड क्या रहेगा? प्रतिदिन. और इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी आपको क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है. चलिए मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में. टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय एंड टेक केयर.